हम लोग क्या करेंगे इस पोलिनॉमल को पहले लेट कर लेंगे लेट क्या करेंगे लेट हमने बोल दिया पी एक्स पी एक्स इक्व टू एक्स की पावर फोर प्लस यहाँ कर दिया ए एक्स की पावर कर दिया थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास बी हो गया इतनी बात क्लियर हो गई अब देखो पहले इससे डिविजल है तो इसको बोल देते हैं जी एक्स जी एक्स इक्व टू हो गया हमारे पास एक्स प्लस ये हो गया हमारे पास टू ये बात क्लियर हो गई तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे जी एक्स एक टू हो गया हमारे पास जीरो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस टू एक टू हमने कर दिया जीरो एक्स प्लस का इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस का टू हो गया एक्स की वैल्यू माइनस टू मिल गई अब इस वैल्यू को उठाओ और इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर पुट कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स की जगह पर आ गया माइनस और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस की पावर फोर प्लस यहाँ पर हो गया ए यहाँ पर हो गया माइनस टू की पावर थ्री माइनस सेवन यहाँ पर हो गया माइनस टू की पावर टू प्लस माइनस एट यहाँ पर हो गया माइनस टू और यहाँ पर प्लस ये हो गया माइनस टू की पावर फोर मतलब टू टू जो फोर फोर सिक्सटीन यहाँ पर आ गया सिक्सटीन प्लस का यहाँ पर माइनस टू की पावर थ्री हो जाएगा टू टू दोर टू दा एट प्लस माइनस माइनस एट ए मिल गया वॉट इट और यहाँ पर हो गया टू टू धा फोर और सेवन फोर हो जाएगा ट्वेंटी एट वो भी माइनस का ट्वेंटी एट हो गया इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना यहाँ पर हो गया हमारे पास ए टूट सिक्सटीन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये हो गया सिक्सटीन प्लस बी इक्वस टू हो गया हमारे पास जीरो अब इसको सॉल्व करो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना ओके ये हो गया हमारे पास थर्टी टू थर्टी टू में हम लोग ट्वेंटी एट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फोर मिल जाएगा यहाँ पर फोर हो गया यहाँ पर माइनस एट ए और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस बी हो गया इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी पहली क्वेश्चन है या फिर आप एक काम करो यहाँ पर ना आप एट ए और बी को इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले जाओ यहाँ पर आ जाएगा फोर ये देखो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का तो एट ए हो गया ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का बी हो गया इसको आप बोल दो ये पहली इक्वेशन है इसको भी बोल सकते हो इसको भी बोल सकते हो ठीक है पहली इक्वेशन हो गई हमारी अगर आप इसको यहीं रहना देना चाहते हैं तो यहीं लिख दो और इस फोर को उठा के यहां पर लिख दो कैसे भी कर सकते हो इक्वेशन बनाने पहली क्वेश्चन होगी अब दूसरी इक्वेशन भी ऐसे बनाएंगे हमारे पास दूसरी वैल्यू है एक्स प्लस थ्री तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस बार एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी माइनस थ्री मिलेगी माइनस थ्री मिल जाएगी एक्स की वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे ये जो पॉलीनोमियल है इस पॉलीनोमियल में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे अच्छा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं माइनस थ्री कैसे मिला तो चलो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने x प्लस टू को लेट कर लिया था g x के इक्वल वैसे ही इसको हम लोग लेट कर लेते हैं h एक x के इक्वल एच एक एक्स इक्वल एक टू एक हो गया x प्लस थ्री और इसको हम लोगों ने जीरो के इक्वल जी मान लिया है देखो हमने बोला जो एच एक्स है वो जीरो के इक्वल है एच एक एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस थ्री इक्वस टू हो गया हमारे पास जीरो ये जी प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई माइनस थ्री मिल गई इसको उठाओ और इस वाली इक्वेशन में ये वाली जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री की पावर हो गई हमारे पास फोर प्लस ए यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस थ्री की पावर थ्री माइनस सेवन यहाँ पर हो गए माइनस थ्री की पावर टू हो गई माइनस एट यहाँ पर हो गए माइनस थ्री प्लस ये हो गया पी अब देखो माइनस थ्री की पावर फोर मतलब थ्री थ्री जै नाइन 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 जो एट्टी वन यहाँ पर आ गया हमारे पास एट्टी वन ठीक है यहाँ पर आ गया ट्वेंटी सेवन माइनस है ट्वेंटी सेवन ए हो गया यहाँ पर हो गया हमारे पास थ्री थ्री या नाइन सेवन नाइन जै हो गया सिक्सटी थ्री माइनस का हो गया हमारे पास सिक्सटी थ्री आ गया अब यहाँ पर हो गया थ्री एट हो जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ट्वेंटी फोर ये हो गया प्लस बी इक्वल्स टू जीरो हो गया अब देखो ये सिक्सटी थ्री है एट्टी वन 81 में हम लोग 24 को ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे 63 को यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 वन 105 63 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 42 हमें यहाँ पर मिल गया है 42 टू माइनस ट्वेंटी ए और यहाँ पर मिल गया हमें प्लस बी एक्स टू ज़ीरो अब क्या करो चाहो तो इसको इधर भेज पूरे को या फिर फोर्टी टू को इधर भेज दो ये आपकी मर्जी तो हम लोग फोर्टी को यहीं पर रखेंगे ये माइनस का इक्वल किस साइड जाएगा प्लस का हो गया ट्वेंटी सेवन ए ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा अब इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है अब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई है तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां लिखेंगे सब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम फ्रॉम यहां कर दिया हमने सेकेंड ठीक है तो देखो यहाँ पर जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर है ट्वेंटी सेवन लिखा ट्वेंटी सेवन ए माइनस बी अब इसको माइनस करना है पहले इक्वेशन से जो कि हो जाएगा की देखो अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस बी इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया यहाँ पर हो जाएगा प्लस बीस टू फोर्टी टू माइनस हो गया हमारे पास फोर हो गया देखो यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो गया ट्वेंटी सेवन ए में एट ए को माइनस कर देंगे मिल जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास थर्टी और इसको सॉल्व करोगे तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है टू ए की वैल्यू टू मिल गई अब इस टू की वैल्यू को उठाओ पहले या दूसरे में से किसी भी एक इक्वेशन में ए की जगह में पुट कर दो तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग यहाँ कर दिया पुटिंग ए इक्वस टू टू इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट पहले इक्वेशन में यहाँ पर हो गया हमारे पास फोर इक्वस टू एट इन कर दिया टू माइनस बी ए टू ज हो गया सिक्सटीन यहाँ पर हो गया सिक्सटीन माइनस बी हो गया अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास बी को इधर भेज देते A को इधर तो ये हो गया चलो इधर ही भेज दो इसको क्यों इधर उधर करो ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का सिक्सटीन यहाँ पर हो गया माइनस का भी यहाँ पर सॉल्व करोगे माइनस ट्वेल्व एक टू माइनस बी माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ पर हमें ट्वेल्व क्या मिल गया बी मिल गया बी क्वस्ट टू हो गया ट्वेल्व एक क्वस्ट टू हो गया टू यही हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का हमारा आंसर आई होप आपको क्वेश्चन ट्वेंटी वन समझ में आ गया अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो रहा है कमेंट करो जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी ही जल्दी आपकी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पर क्वेश्चन ट्वेंटी टू इफ दिस एंड दिस आर फैक्टर ऑफ दिस प्रूव डेट पी इक्वल्स टू आर क्वेश्चन ट्वेंटी टू कह रहे हैं कि जनाब आपके पास जो ये पॉलिनोमेल है इस पॉलिनोमेल के ये दोनों फैक्टर है तो आप हमें ये प्रूफ करके दिखा दो बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर ना जो ये पॉलिनॉमल है इस पॉलिनॉमल को हम लोग लेट कर लेंगे पी एक्स के पी एक्स इक्व टू पी यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया फाइव एक्स प्लस ये हो गया हमारे पास आर इतनी बात क्लियर हो गई अब देखो ये हमारा पी एक्स हो गया अब ये दोनों फैक्टर है ना तो इस वाले को इस वाले फैक्टर को हम लोग जी एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जी एक्स इक्व टू एक्स माइनस टू कर दिया अब हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जी एक्स है वो जीरो के इक्वल है जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स माइनस टू इक्व टू जीरो हमारे पास माइनस का है इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो एक्स इक्व टू हमें क्या मिल गया टू मिल गया अब इस टू की वैल्यू को उठाओगे और इस पॉलिनोम में पुट कर दोगे तो यहां पर हो गया पी यहां पर हो गया हमारे पास टू इक्वस टू पी और यहां पर हो गया टू का हमारे पास स्क्वायर प्लस फाइव और ये हो गया हमारे पास टू प्लस आर हो गया अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे फोर पी अब यहां पर हो जाएगा फाइव टू जो टेन ये हो गया हमारे पास प्लस आर इक्वस टू तो जीरो हो गया ठीक है अब ये जो टेन है प्लस का है इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का तो ये हो गया फोर पी प्लस आर इक्वस टू माइनस टेन अब इसको बोलो ये हमारी पहली इक्वेशन है क्लियर इतनी बात जैसे हम लोगों ने ये पहली इक्वेशन निकाली है इस वाले फैक्टर से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे इस वाले फैक्टर से तो इस वाले फैक्टर को हम लोग बोल देते हैं एच एक्स कुछ भी बोल दो यार आपकी मर्जी जो आपका नाम हो वो ले लो उसका पहला वर्ड ले लो और लिख दो यहाँ पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं अल्फ़ाबेट ले लो ठीक है यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वन बाई टू अब हमने कहा जो एच एक्स है ये हमारा ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ पर एच एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन बाई टू इक्वस टू ज़ीरो ये हो गया अब ये माइनस का इक्वल कैसे जाएगा तो ये प्लस हो गया एक्स की वैल्यू हमें वन बाई टू मिल गई अब हम लोग पॉलिनोमल में ये वैल्यू पुट कर देंगे पॉलिनोमल है हमारे पास पी और एक्स की जगह पे आएगा इस बार वन बाई टू और यहाँ पर हो गया पी एक्स की जगह पे आएगा वन बाई टू ये हो गया स्क्वायर प्लस फाइव यहाँ पर हो गया हमारे पास वन बाई टू यहां पर हो गया हमारे पास आर अब देखो यहां पर हो गया वन बाई फोर और ये हो गया हमारे पास पी प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास फाइव बाई टू और ये हो गया हमारे पास आर हो गया इक्वेस्टू हमने कर दिया जीरो के अब देखो यहाँ पर ना ये फाइव बाई टू जो दिख रहा है आपको इसको उठा के हम लोग इक्वल के इस साइड भेज देते हैं ठीक है या फिर एक काम करो एल्सियम ले लो सीधा एल्शियम हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फोर यहाँ पर हो गया हमारे पास पी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फाइव टू जो हो गया हमारे पास टेन है ना टू आ गया यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फोर आर आ जाएगा एक क्वेश्चन टू हो गया हमारे पास जीरो हो गया अब ये जो फोर है ये हमारे किस में है मल्टीप्लाई में है इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड सॉरी एक साइड ये डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जीरो हो जाएगा यहां पर हमें क्या मिलेगा पी प्लस यहाँ, यहाँ पर टेन प्लस फोर आर इक्वल टू जीरो अब ये जो टेन है प्लस का है इक्वल के इस साइड भेज देंगे माइनस का तो पी प्लस यहां पर हो गया हमारे पास फोर आर इक्वल टू हो गया माइनस टेन ये बात क्लियर हो गई इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है अब ध्यान से देखो पहले और दूसरी इक्वेशन को यहां लिखा है फोर पी प्लस आर माइनस टेन माइनस टेन यहां पर देखो p प्लस फोर आर इक्वल टू माइनस टेन है अब इन दोनों को ध्यान से ऐसे समझो देखो अगर हम यहाँ पर लिख दें फोर पी फोर पी प्लस आर इक्वस टू माइनस टेन इक्व टू हम लिख दें यहाँ पर ये यह हो गया फोर पी सॉरी यहाँ लिख दे p प्लस यहाँ कर दे फोर आर तो देखो हमने क्या कहा ये भैया इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है बात एक ही हो रही ना अगर आप इसको देखो तो भी वही चल रहा है अगर आप इसको देखो तो भी ये ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है हो जाएंगे ना इक्वल तो ये हमने बस आपको समझाने के लिए लिखा आप करेंगे कैसे वो देखो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड सेकेंड अब पहली जो इक्वेशन है वो हो गया हमारे पास फोर पी प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास आर ये हो गया इक्व दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास हो गया पी प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास फोर आर यही तो था ना देखो फोर पी प्लस आर यहाँ पर पी प्लस फोर आर हो गया चलो अब क्या करो आर आर को एक तरफ और पी पी को एक तरफ फोर पी माइनस पी इक्वस टू यहाँ पर हो गया फोर आर माइनस आर यहाँ पर हो गया हमारे पास 3r थ्री आर थ्री पी और थ्री से थ्री बाई सब चल बसे और पी इक्वस टू आर बच गए अब ये ही हमको प्रूव करना था और हमने ये प्रूव करके दिखा दिया पी इक्वस टू आर यही हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का हमारा सोल्यूशन आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू समझ में आ गया है अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पर अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री को देख रहे हो ना ये जो क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री है अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों ने क्वेश्चन एटीन को पढ़ा होगा और क्वेश्चन एटीन और क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री में कुछ भी चेंजमेंट नहीं है सेम है बस वैल्यू का ही फर्क है अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन को पढ़ो ये विदाउट एक्चुअल डिविजन प्रूव डेट दिस इज डिजल बाई दिस जो पोलिनोम से डिजबल है अब ये कैसे करते हैं वो देखो सोल्यूशन पे आ जाओ सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे हम लोग मान लेंगे कि जो ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल है ये पी एक्स के इक्वल है यहां पर हो गया टू एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स की पावर थ्री प्लस यहां पर हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू हो गया अब जो दूसरा छोटा वाला पॉलिनोम है इसको बोल देते हैं हम लोग जी एक्स है ना जी एक्स गया एक्स की पावर टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो गया देखो अब दो चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू को एक बार देखो क्वेश्चन ट्वेंटी टू में क्या कहा जा रहा था कि ये इसके फैक्टर है ठीक है इस पॉलिनोमल के अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमल है ये इसको डिवाइड करेगा है ना ये वाला इससे पूरी तरह डिविजल है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले पोले से हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे जो ये फैक्टर आपको दिख रहा है ना वो फैक्टर हम लोग निकालेंगे और उसके बाद वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है अब देखो कैसे पहले इसके हमें फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा ये जो टू है इसको लिखा और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पर मतलब कि नंबर यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब वन होगा तो यहाँ पर वन का मल्टीप्लाई कर दिया टू वन जीरो टू हो गया अब टू को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए टू मिल जाए और फिर जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए हमको मिल जाए थ्री मिल जाए जो कि एक्स का कोफिशेंट है माइनस थ्री मिल जाए तो माइनस थ्री कैसे आएगा देखो अगर हम लोग इन दोनों में माइनस माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो प्लस का टू आ जाएगा और फिर जब इन्हीं दोनों का हम लोग सम करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा माइनस का थ्री मिल जाएगा तो ये दो नंबर हमें मिल गए अब यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिया माइनस यहाँ कर दिया हमने टू एक्स और यहां पर हो गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू तो इतनी बात आप समझ गए हो ना अब हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां पर कॉमन हमें मिलेगा x यहाँ पर आ जाएगा x माइनस टू फिर इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो माइनस वन को कॉमन ले लो यहां पर आ जाएगा x माइनस हमारे पास टू इक्वल टू जीरो हो गया ये दोनों ही हमारे सेम है तो इन्हें हम लोग एक ब्रैकेट में करेंगे x माइनस टू और यहां पर हो गया x और यहां पर हो गया माइनस वन तो ये हो गया x माइनस वन इक्वस टू हो गया जीरो हमारे जीरो के इक्वल हो गए तो यहां पर देखो एक ये हमें फैक्टर मिल गया है दूसरा हमें ये फैक्टर मिल गया जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक फैक्टर है दूसरा ये फैक्टर है वैसे ही एक फैक्टर हमें ये मिल गया दूसरा फैक्टर हमें ये मिल गया अब इसकी वैल्यू को उठाएंगे और पुट करेंगे अपने पॉलीनोवेल में देखो कैसे ये दोनों जीरो के इक्वल हमने बोला तो यहां पर हो गया एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इसको कर दिया हमने एक्स माइनस वन एकवल टू जीरो ये माइनस का टू है इधर जाएगा प्लस का टू हो जाएगा ये माइनस का वन है इधर जाएगा प्लस का वन हो जाएगा अब इस एक्स की वैल्यू को उठाएंगे वो पोलिन में हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर है हमारे पास टू टू एक्स की जगह पर हम लोग टू पुट कर रहे हैं पावर में फोर माइनस फाइव एक्स की जगह पर हमने फिर से टू पुट किया थ्री प्लस यहाँ पर हो गया टू यहाँ पर हो गया हमारे पास टू की पावर टू माइनस टू प्लस यहाँ पर टू ठीक है अब इसको सॉल्व करो टू की पावर फोर मतलब टू टू जै फोर फोर फोजा सिक्सटीन टू जा हो गया हमारे पास थर्टी टू ये हो गया माइनस टू की पावर थ्री टू टू जा फोर फोर टू जा एट और फाइव एट जा फोर्टी फोर्टी आ गया टू टू जा फोर फोर टू जा एट हो गया यहां पर हो गया हमारे पास टू और टू ये दोनों ही कैंसिल हो गया एकक्वल टू जीरो कर दो अब इसको सॉल्व करो ओके तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास थर्टी टू प्लस एट फोर्टी फोर्टी में फोर्टी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ज़ीरो मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर ज़ीरो ना लिख के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हमने ज़ीरो ये बात क्लियर हो गई तो हमने क्या देखा कि भैया ये इसमें जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमें सोल्यूशन मिला जीरो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसका फैक्टर है अब इसको भी चेक कर लूँ तो यहाँ पर फिर से आ जाओ यहाँ पर लिख देते हैं एफ है, है ना पी लिखा था पी एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे यहाँ पर हमने लिखा पी एक्स की जगह पे हमने टू पुट कर दिया अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास हो गया टू और यहाँ पर वन की पावर हो गई फोर यहाँ पर हो गया माइनस फाइव वन की पावर हो गई थ्री प्लस टू यहाँ पर वन की पावर हो गई हमारे पास टू माइनस वन प्लस टू हो गया इसको सॉल्व करो यहाँ पर टू माइनस फाइव प्लस टू माइनस वन और प्लस टू हो गया टू टू फोर फोर और फाइव सिक्स और यहाँ पर फाइव और वन सिक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा यह भी हो गया जीरो ये भी हो गया जीरो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये इससे डिविजिबल है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का हमारा आंसर अब क्वेश्चन ट्वेंटी फोर को ध्यान से समझना ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा अभी हम समझाएंगे तो बहुत आसान है क्वेश्चन क्या कह रहा है अलग भी है अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए उनसे बिल्कुल अलग है ये कह रहा है वट मस्ट बी एडेड टू दिस इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या ऐड करेंगे सो डेट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजबल बाई दिस कह रहा है इसमें हम लोग क्या ऐड कर दें कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना वो रिजल्ट इससे पूरी तरह डिविजल होगा ये क्वेश्चन कह रहा है तो देखो सबसे पहले ये जो पॉलिनॉमल है इस पॉलिनोमल को हम लोग लेट करेंगे लेट हमने बोल दिया पी एक्स हमने बोला ये पी एक्स के इक्वल है यहाँ पर हो गया टू एक्स की पावर हो गई हमारे पास फोर माइनस फाइव एक्स की पावर हो गई हमारे पास थ्री प्लस टू एक्स की पावर हो गई टू माइनस एक्स और यहाँ पर कर दिया माइनस थ्री अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे तो हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग इसमें ऐड करेंगे एम एंड एंड एम एम बी यहाँ बोल दिया एडेड हमने क्या कहा कि एम को हमने ऐड कर दिया है टू पी एक्स सो 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 डैट डैट रिजल्ट रिजल्ट इज डिविजल बाई Divisible बाई यहाँ पर हो गया एक्स माइनस टू हमने क्या कहा कि अगर इस पॉलिनोमल में हमने एम को एड कर दिया इस एम को एड कर दिया तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो एक्स माइनस टू से divisible हो जाएगा फिर से समझो क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया इस पॉलिनोमेल में हम लोग क्या ऐड कर दें तो हमने कहा कि भैया इसमें हम लोग एम ऐड कर देंगे एम क्या है एम जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें हम एम की एक वैल्यू मिल जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो वो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा जो रिजल्ट आएगा वो इससे डिविजिबल होगा देखो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना तब पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा चलो इतनी चीज़ समझ गया ना चलो अब इसके आगे आ जाओ यहाँ पर ना इसको हम लोग बोल देते हैं ये जी एक्स के इक्वल है जी एक्स इक्वल्स टू हो गया एक्स माइनस टू और जी एक्स को हमने बोल दिया ये है जीरो के इक्वल जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई टू मिल गई अब इसको उठाओ टू और इस वाली पोलिन में एक्स की जगह पे पुट करो तो यहां पर हो गया पी एक्स की जगह पे हो गया हमारे पास टू इक्वल टू टू यहाँ पर हो गया टू की पावर हो गई हमारे पास प्लस फोर माइनस फाइव और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू यहां पर हो गया हमारे पास टू की पावर टू माइनस टू माइनस थ्री प्लस एम कर दिया हमने यहां पर हमने एम किया हुआ है ये याद रखना ठीक है अब देखो हमने क्यों एम किया क्योंकि हमने यहाँ कह दिया कि एम को हम लोग इसमें ऐड करेंगे ठीक है एम को एक ऐसा नंबर है कि जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरी तरह इसे डिविजल हो जाएगा समझ गए चलो टू की पावर फोर मतलब क्या हो गया टू टू जो फोर 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 जो सिक्सटीन सिक्सटीन टू ज़ा हो गया थर्टी टू थर्टी टू 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 जो फोर फोर टू ज़ा एट फाइव एट फाइव जै फोर्टी हो गया माइनस का हमें क्या मिल गया फोर्टी मिल गया अब यहाँ पर हो गया हमारे पास टू टू जै फोर फोर टू जै हो गया हमारे पास एट हो गया अब यहां पर हो गया हमारे पास फाइव ठीक है प्लस एम जीरो कर दिया अब देखो यहां पर हो गया हमारे पास कितना ये हो गया हमारे पास फोर्टी थर्टी टू प्लस एट हो गया फोर्टी ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गया बचा हमारे पास माइनस फाइव प्लस एम बचा इक्वस टू तो जीरो ये माइनस का है इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो एम इक्वस टू हमें क्या मिल गया फाइव मिल गया तो मतलब ये हो रहा है फाइव ये वही नंबर है कि जब इस नंबर को हम लोग इस वाले पॉलिनोम में ऐड कर देंगे तब जाके ये पूरा पॉलिनोमियल इससे हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा बस यही हमें समझाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का हमारा आंसर आई होप आपको समझ में आ गया अगर नहीं आया ना एक बार और इसको देख लो पीछे करो थोड़ी सी वीडियो को और देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में हमें सपरेट करना है जैसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में हम लोगों ने ऐड किया था ना वैसे इसमें सपरेट करना है देखो क्वेश्चन कह, so exactly कह रहा है कि इसमें हम लोग क्या सपरेट करेंगे ताकि जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इससे पूरी तरह डिविजबल हो जाए ये क्वेश्चन कह रहा है देखो जब भी हमें ऐड करने की बात करेगा क्वेश्चन हमसे तो हमें कुछ भी ऐड कर देना जैसे यहाँ पर एम ऐड किया ना यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर दो बट जब कभी आपसे सप्ट्रैट करने की क्वेश्चन बात करे तब आपको ऐड करना होगा ए एक्स प्लस बी को हमेशा आपको यही सप्ट्रैक्ट करना होगा जब भी सप्रैक्ट करना होगा ये करो ऐड करना होगा तो आप कुछ भी कर दो ठीक है समझ में आ गई ये बात अब ये ऐड क्यों करते हैं ये आप हमें कमेंट करके पूछोगे तो हम आपको अलग वीडियो में ज़रूर बताएंगे तो जल्दी से कमेंट करो अब यहाँ पर आ जाओ सल्यूशन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव के हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें कुछ सप्रेट करेंगे तो इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेट पी एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स अब हमने क्या बताया कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सेप्रेट करो तो हम लोग ये सपरेट करेंगे माइनस यहाँ हो गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी हो गया ठीक है अब यहाँ पर ये आ जाओ इसको बोल देते हैं ये हमारे पास जी एक्स है ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया टू एक्स माइनस थ्री हो गया ये जो पॉलिनोमेल है इस पॉलिनोमल से हमें पहले फैक्टर निकालना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू को देखो यहाँ पर ट्वेंटी टू है यहाँ पर आपको ये फैक्टर दिख रहे हैं ना वैसे ही हम लोग पहले इस वाले पॉलिनोमेल से फैक्टर निकालेंगे देखो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो माइनस थ्री है इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफी के साथ यहाँ कुछ नहीं तो वन है तो यहाँ पर हो गया माइनस थ्री माइनस थ्री आ गया अब हमें माइनस थ्री को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर देना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस थ्री ही मिले और फिर जब उनका हम लोग सम करें तो एक्स का कोफी मिले जो कि टू है तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे थ्री इन टू वन क्या आ गया थ्री हमें तो माइनस चाहिए तो माइनस लगा दो अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर वन कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टू क्लियर इतनी बात समझ में आ गया तो चलो अब इधर आ जाओ यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वा यहाँ कर दिया हमने प्लस थ्री एक्स यहाँ कर दिया माइनस एक्स और माइनस हमने कर दिया थ्री ओके अब इसमें से हम लोग एक्स को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इसमें से माइनस वन को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री हमें मिल जाएगा एक्स प्लस थ्री एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक्स माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में हो गया एक्स माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में ये आगे फैक्टर अब इन दोनों को हम लोग जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू ले, ले लेंगे तो एक्स प्लस थ्री एक्वस टू जीरो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वन एक्वस टू ज़ीरो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का थ्री हो गया और ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा वन ये प्लस वन हम लोग क्या करने वाले हैं जो हमारे पास पॉलीनोमियल है ये वाला इस पॉलीनोमियल में एक्स की जगह पर अब ये वैल्यू को पुट करेंगे ठीक है यहाँ पर आ जाओ ये हो गया हमारे पास पहले तो हम लोग एक्स की जगह पे माइनस थ्री फुट कर रहे हैं यहाँ पर आ गया माइनस थ्री पावर आ गया हमारे पास फोर प्लस टू एक्स की जगह पे फिर से माइनस थ्री पावर है हमारे पास थ्री माइनस टू एक्स की जगह पे माइनस थ्री पावर है टू प्लस फोर एक्स की जगह पे माइनस थ्री ये हो गया प्लस सिक्स इक्वल टू नहीं माइनस है यहाँ पर ए इंटू एक्स की जगह पे माइनस थ्री प्लस ये हो गया बी ठीक है अब इसको सॉल्व करो माइनस थ्री की पावर फोर थ्री थ्री जै नाइन 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 जी एट्टी वन प्लस का हो गया एट्टी वन और फिर यहाँ पर आ जाएगा थ्री थ्री जो नाइन थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस सॉरी ट्वेंटी सेवन इंटू टू यहाँ पर फिफ्टी फोर माइनस का फिफ्टी फोर थ्री थ्री जो नाइन और नाइन टू जै एटीन यहाँ पर माइनस का एट्टी थ्री फोर जै ट्वेल्व यहाँ पर प्लस सिक्स ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री ए और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी एक्वस टू हो गया हमारे पास ज़ीरो ठीक है एट्टी वन यहाँ पर है और फिर ये हो गया हमारे पास एट्टी सेवन यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्वेंट ट्वेंटी थर्टी और यहाँ पर हो गया हमारे पास थर्टी और फिर हो गया एट्टी फोर एट्टी फोर में एट्टी सेवन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा थ्री मिल जाएगा यहाँ पर बचेगा प्लस थ्री ए माइनस बी एक्वस टू तो ज़ीरो बचेगा अब एक काम करो कि इस थ्री को उठाओ इक्वल के तो यहाँ पर हो गया थ्री ए यहाँ पर हो गया माइनस हमें मिल गया बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस का थ्री ये हमें क्या मिल गया माइनस थ्री मिल गया ठीक है इसको बोलो ये हमारी पहली इक्वेशन अब जैसे हम लोगों ने ये पहली इक्वेशन को फाइंड किया है वैसे ही हम लोग अब दूसरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे कैसे अब जहाँ पर हम लोगों ने एक्स की जगह पे माइनस थ्री पुट किया था अब हम लोग पुट करेंगे वन को यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वन की पावर फोर प्लस टू यहाँ पर हो गया हमारे पास वन की पावर थ्री माइनस टू यहाँ पर हो गया वन की पावर टू प्लस फोर यहाँ पर हो गया वन यहाँ पर हो गया हमारे पास सिक्स माइनस ए इन टू हो गया हमारे पास वन प्लस ये हो गया पी अब यहाँ वन की पावर फोर मतलब वन यहाँ पर हो गया हमारे पास टू यहाँ पर हो गया हमारे पास टू ये हो गया फोर प्लस हो गया सिक्स माइनस ए ये हो गया प्लस बी सॉरी प्रैकेट खोलेगा तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वस टू हो गया जीरो के यहाँ पर हो गया हमारे पास कैंसिल फाइव सॉरी फोर सिक्स टेन और एक इलेवन यहाँ पर हो गया इलेवन इक्वस टू नहीं माइनस करो ए माइनस बी एक्व टू जीरो देखो अभी हम, हम डायरेक्ट करने जा रहे थे बट हम एक एक स्टेप आपको यहीं करके दिखाएंगे यहाँ पर देखो अब ये माइनस का है ना दोनों इक्वल के इस साइड भेज देंगे ये दोनों प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा इलेवन इक्वस टू प्लस ए ये हो गया प्लस बी और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन कैसी इक्वेशन हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई इतनी बात क्लियर हो गई अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सप्ट्रैक्ट करेंगे अब हम लोग इसको सप्रैक्ट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे सप्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड अब हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को सप्रैक्ट करेंगे तो जब हम लोग इसको सप्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर है हमारे पास थ्री ए और यहाँ पर है हमारे पास ए तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का फोर ए और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस एट माइनस से माइनस गया फोर से एट गया तो हमें ए क्या मिल गया टू मिल गया हमें ए की वैल्यू टू मिल चुकी है अब हम लोग क्या करेंगे इस ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें बे की वैल्यू मिल जाएगी तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग यहाँ कर दिया हमने पुटिंग एक्वस टू टू इन इक्वेशन यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकेंड यहाँ पर हो गया एलेवन इक्वस टू हो जाएगा टू प्लस बी ये टू प्लस का इधर जाएगा माइनस का तो यहाँ पर हो गया नाइन इक्व टू बी हमें बी क्या मिल गया है नाइन मिल गया ए हमें क्या मिल गया टू मिल गया ठीक है ए और बी हमें मिल गया अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि हम लोग भैया क्या सप्ट्रैट कर दे सप्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर था एक्स प्लस बी तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी को हम लोग सप्ट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर ए की वैल्यू वही टू यहाँ पर हो गया एक्स प्लस बी हो गया नाइन हम लोग अगर ये को इसको सप्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिजल्ट इससे डिविजबल हो जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का हमारा आंसर आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव समझ में आ गया है अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स यूज फैक्टर थ्योरम हमें यहाँ पर फैक्टर थ्योरम को यूज करना है टू प्रूव इज अ फैक्टर ऑफ दिस हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि जो एक्स प्लस ए है ना वो इसका फैक्टर है फॉर एनी ऑर पॉजिटिव इंटीजर एन ठीक है चलो बहुत सिंपल है यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन को किया ना वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे देखो तो शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम का ही तो यूज किया चलो अब यहाँ पर इसको हम लोग लेट कर लेते हैं लेट पी एक्स इक्व टू हो गया एक्स की पावर एन प्लस यहाँ पर हो गया ए की पावर एन ये हो गया हमारे पास अब हमें क्या करना है अब हमें इसको इक्वल कर देना है जीरो के ठीक है तो यहाँ पर कर दिया एक्स प्लस ए या फिर चलो इसे विधि विधांश लिखेंगे जी एक्स इक्व टू एक्स प्लस ए जी एक्स को हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस ए इक्वस टू ज़ीरो ए हमारा किसका है प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स इक्व टू माइनस ए हो गया अब इसकी वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे x की जगह पे तो यहाँ पर हो गया g यहाँ पर हो गया माइनस ए और यहाँ पर आ गया सॉरी सॉरी यहाँ पर नहीं इस x की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया p एक्स की जगह पे हो गया माइनस ए यहाँ पर हो गया माइनस ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया जीरो हमने क्या बताया था अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो आता है तो वो इसका फैक्टर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स प्लस ए इसका फैक्टर है तो यहाँ पर लिख देंगे देअर फोर यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर देयर यहाँ कर दिया फोर यहाँ पर लिख दिया बाई फैक्टर थ्योरम बाई फैक्टर फैक्टर यहां कर दिया थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन फॉर एन ऑड इंटीजर ठीक है बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का हमारा सलूशन। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरीके के सोल्यूशन मिलते रहे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है थ्री फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमल की एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री ए को ठीक है और एक्सरसाइज थ्री ए को पढ़ने से पहले आप ये इन तीन फॉर्मूले को रट लेना क्योंकि ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपके एग्ज़ाम में एग्जाम में क्या एक्सरसाइज थ्री ए में यूज़ होंगे और ये थ्री ए में ही नहीं हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं ये यूज हो ही जाते ये बेसिक फॉर्मूले है आपको रटना पड़ेगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी